हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो काफ़ी समय हो गया वीडियो अपलोड नहीं करते हुए, तो मैंने सोचा हाँ आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। और वीडियो नहीं बनाने का पीछे बहुत सारा रीज़न है। एक्चुअली हम अपना पर्सनल काम कर रहे हैं आजकल, इसलिए थोड़ा बिजी है, वीडियो सीडियो नहीं बना पा रहा कंटिन्यू। तो आप लोग मत सोचना कि यूट्यूब वीडियो बनाना छोड़ दिया। आज मेरा दोस्त हम लोग एक टीसा करके एक जगह है हमारा लॉन्गडिंग टाउन का अंदर आता है, तो वहीं पे हम लोग नहाने जा रहे हैं। तो हम सोचे कि आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, तो वीडियो पे बने रहना ठीक है। या तो आज क्या क्या होगा, क्या क्या करेगा आप लोग को वीडियो पे दिखाते रहेगा, तो बने रहना। चार लोग हैं हम, दोस्त तीनों को रुक रहा है अभी। हम दोनों तो रेडी हो गया, अभी दो लड़का है आना बाकी है। ओ ये भी आ गया दोस्त भी, ये खुद को बोलता समझ लो गाइस। और बोलो कुछ मेरे व्यूअर्स को, आज के दिन में से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट में प्लीज कर दीजिएगा, ओवर से नहीं हटाएगा। या गाइस अभी यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, ये भी तीसा पहुँचने से पहले ही मिलता है और ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर वाटरफॉल है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं आए क्योंकि पानी इतना भरा नहीं हुआ है। यहाँ मैं आपको स्क्रीन में जितना मोबाइल पे जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा नहीं है, रियलिटी में थोड़ा भरा है। एक्चुअली हम लोग यार ने फोटो लेने का प्लानिंग था, लेकिन झरना इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट किया था, तो फोटो नहीं खींचते रहेगा आपको ना नंद भाई। पानी कम है आज, पानी कम है, हम लोग सोचा था थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम मिला, थोड़ा नहीं बहुत कम मिला। एक्चुअली इधर में मतलब बहुत दिन से जा रहा है ना, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे झरना भरा होगा सोच के रुका था, लेकिन छोटा है तो हम लोग नहीं रुकते रहेगा, डायरेक्ट सीधा तीसा। अगर आगे में झरना मिलता है तो रुके, हाँ जो भी चीज़ दिखाने का मिलेगा रास्ता पे आप लोगों को दिखेगा ठीक है। A few moments later हम लोग तीसा पहुंच चुके हैं, ये तीसा का ब्रिज और तीसा का मेन मार्केट पहुंचने वाला है हम लोग। और ये तीसा का सबसे बड़ा और ये लॉन्गडिंग का सबसे बड़ा ब्रिज है, आप लोग देख सकते हैं, हम नदी भी दिखेगा आप लोगों को। और ये लॉन्गडिंग में सबसे बड़ा नदी के लिए गिना जाता है तीसा, इसको ही बोलते हैं तीसा। और ये ब्रिज सबसे बड़ा है हम लोग का लॉन्गडिंग अंदर, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और यही रोड से खुलसा जाता है, और यही रोड से खुलसा जाता है तीसा होके, ये आपको ये साइड खुलसा जाने का रोड और ये बक्का, ये रोड खुलसा का है एंड ये रोड बक्का का। और अभी हम लोग ये तीसा मार्केट एरिया में हैं, आप देख सकते हैं एकदम बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा मार्केट है, पेट्रोलियम है पेट्रोल। गैस पहले हम लोग को पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिला था, तो अभी हम लोग जैसा खुला से पेट्रोल ले लेगा ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली भी होगा कंपेयर टू पेट्रोल पंप। और आप लोग देख लो ये तीसा टाउन है, तीसा मार्केट आई मीन। तो भाई वाह क्या लेंजर है दोस्त, दवाई दवाई क्या दवाई आगे चलो बोलो दवाई। नदी पे पानी का हाल देखिएगा, पानी गंदा मत पी लो, बस हुई है हाँ एकदम सफा। हम लोग पहुंच गया नदी में और अभी नाम रहे हम लोग नदी पे, यहाँ आए यहाँ नहाए तो सेम ही बात है। और आप लोग देख लो यहाँ एकदम कूल और फ्रेश पानी है, यहाँ पे बहुत खराब है रास्ता। हम लोग पहुंच गया यहीं पे नहाएगा, देखा ग्रीन ग्रीन ग्रीन
गंगा नहीं है ये, चीतू में गंगा नहीं है ये, गंगा नहीं है ये, टीसा है ये। आजा। फिलहाल तो अभी हम लोग पहुंचे हैं एंड या अभी हम लोग यहाँ पे नहाएगा। आप भी यहाँ से नहाने जा रहे हैं? यहाँ से कुछ ना बैग तुम लेके जैसे यहाँ से तो भाई या करो हाँ। अभी देखो यहाँ पे दिखा जी रे तो भाई परियों की तरह मछली जा रहे हैं वहां में। देखिए का यार दिखो केला उस कैमरा में देखो हम लोग इतना आसानी से देखो खड़ा हो तो हाँ कितना है डीप गंगा मैन तो गाइस हम लोग का नहाना धोना हो गया और अभी लंच करेगा। रास्ता देखो ये नदी और यहाँ में रास्ता बहुत कंजेस्टेड है। ओ भाई यहाँ से एक बार गिर गया तो मेरा कैमरा भी नीचे गया पानी में। One eternity later. Hi guys, तो अभी हम लोग होटल से खाना पीना हो गया होगा, पूरी पूरी खा लिया। तो हम लोग पूरी खाते खाते ये बात किया कि हम लोग यहाँ तक आ ही गए तो हम लोग मक्का तक पहुँच के छोड़ गया, तो प्लान चेंज हो गया। तो अभी ये ब्लॉग यहाँ खत्म नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग पक्का जा रहे हैं और कारा पहाड़ व्यू पॉइंट फेमस है, आई थोड़ा फेमस है यहाँ पे, तो आप लोग को व्यू दिखेगा वहाँ से, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना और अभी डायरेक्ट सीधा पक्का में पहुँच के आपको वीडियो दिखेगा दादा। चल जहाँ मन चले दो पल के लिए सही तीसरा तरफ में पूरा नहीं दिखाई देता मगर हाफ में दिखाई देगा, बट ऐसे व्यू पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता ना, यहाँ से स्टार्ट होगा अभी ये फर्स्ट वाला पार्ट आएगा, फिर सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला लास्ट होगा जहाँ एक मंदिर है, एक टेम्पल है, जो गहरा पहाड़ है वो लास्ट वाला, वो लास्ट वाला है। ठीक है अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। ठीक है तो भैया के बताने के भैया बताइए हम लोग को कि यहाँ में तीन पहाड़ है ना, तीन पहाड़ वाला ना, तीन पहाड़ है तो काला पत्थर यहीं से शुरू हो जाएगा का। तो हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गया ऑलमोस्ट लास्ट वाला जो आखिरी, यहाँ पे तीन पहाड़ है तो जो मेन पहाड़ है वो जो लास्ट वाला होगा तीन। ओ भाई यार का ये असली पत्थर बोल दो तो छोटा है मगर ये बहुत सुंदर है यार। मजा है ना छोटा लेके, रेनबो दिखाओ, रेनबो तेरा पीछे में रेनबो दिखाओ, बढ़िया से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में एक छोटा सा वाटरफॉल है और ये छोटी पक्का पे पड़ते है इसका लोकेशन, ये बहुत सुंदर है, खूबसूरत एकदम बढ़िया। अरे देखो ना यार मजा आ रहा है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सागर की लहरों के जैसे हम भी मच जाते हैं, यह कला
पत्थर या आज तो व्यू खराब हो जाएगा। देखो तो फॉगी आ गया, बहुत फॉग आ गया पूरा वो साइड पे, मौसम गर्म है आप देखो करके वहाँ पे पूरा मौसम गर्म है और यहाँ पे धूप आ रहा है। दो वेदर साथ में, वो साइड मौसम गर्म है और इस साइड जगह तो अच्छे खास है ना। यहाँ रुकेगा रुकिए तो अभी यहाँ रुकेगा हम लोग, ठीक है। ए, मेरे ख्याल से ना ये फास्ट पॉइंट है ना वंगनोन, आप लोग देख लीजिए यहाँ से एकदम जन्नत वाला व्यू है यहाँ पे। व्यू एकदम जन्नत है यहाँ का। आप लोग देखो once more आज का वेदर साफ तो और भी बहुत सुंदर दिख रहा है। दोन एक फोटो खींचेगा कहाँ थे होता है ये फास्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से ना, कला पार्क का फास्ट पॉइंट है ना दोस्त ये। और वहाँ पे देखो लास्ट वाला मंदिर वाला दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वो तो मंदिर वाला सेकंड पॉइंट वो है मेरे ख्याल से ना, सेकंड पॉइंट वो है। चलो 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 जो देख रहे हैं आप लोग बताओ, हम गलत भी बता रहा होगा पता नहीं है, उनको फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। देखो अब लोग नजारा देखो ना सुंदर यार, उधर उठेगा। सो गाइस हम लोग ने बस सुना था वक्का बहुत खूबसूरत है, बस बोल के सुना था तो हम लोग विजिट कर लिया और अभी विजिट करना बाकी है। और यहाँ तक भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और वेदर का थोड़ा कमी है आज, अगर वेदर साफ रहता तो और भी सुंदर व्यू था। और अभी भी कोई कम नहीं है किसी से, अभी वांचो में भी इतना सुंदर जगह है फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। तो अभी चलते आगे, ठीक है। यहाँ का व्यू बयान आ गया, बहुत मजा है और यहाँ पे हवा भी बहुत ठंडा है, यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है ये समर नहीं विंटर है, यहाँ का हवा पानी बहुत ठंडा है। और आप लोग देख लो यहाँ का व्यू, चल जहाँ मन चले दो पल के लिए सही कर। तो गाइस ये हम लोग काला पहाड़ का मेन पॉइंट पे आ गया, व्यू पॉइंट पे, और ये थर्ड पॉइंट ही है काला पहाड़ का, आप लोग देख लीजिए। हमें हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और यहाँ से एकदम जन्नत वाले व्यू आ रहा है, मगर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा वेदर खराब है तो वेदर का कारण इतना क्लियर नहीं आ रहा है आज का व्यू, लेकिन मत बोलो यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, जितना फोन में दिखाई दे रहा है उससे कहीं कहीं गुना, मतलब उससे 100 गुना क्लियर दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए। लेकिन एकदम काला है यार, क्या दिखाएगा आप लोगों को, सिर्फ हमको ही दिखाई दे रहा है। सागर की लहरों के जैसे एक पहाड़ का कुछ कहानी सुना था, लेकिन हमको इतना पता नहीं, दोस्त लोग से पूछ के देखिए, ठीक है। ये पहाड़ का काला पहाड़ का ये स्टोरी सुना था कुछ, लड़की लड़का लव स्टोरी, लव स्टोरी सुना तो था लेकिन एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट से है वो पता नहीं, सुनने में आया था कि मतलब जो शादी नहीं हो सकता है, मान लो कि भाई बहन जैसा ना, ऐसा सेम टाइटल ना, हाँ सेम टाइटल वाला, दोनों का मतलब अफेयर चल रहा था, तो जो अफेयर चल रहा था वो गांव वालों को पता चल गया, उसी की वजह से गांव वालों मतलब वो दोनों को अलग कर दिया था ना, अलग करने का इरादा में मतलब यहाँ बाहर में फेंका है बोल के सुना था, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कि मतलब ये सच है ना झूठ है, लेकिन सुनने में तो ऐसा है। और लड़की जो जाके सुसाइड किया है ऐसा कुछ सुना था हम, लाश उठाने गया तब मतलब दोनों का जो प्यार है वो एक साथ बंधा हुआ है, ये एक ही मतलब दूसरा दूसरा पॉइंट से मतलब टूटा है लड़की लड़का, मगर एक ही पॉइंट में मतलब लाश जो है डेड बॉडी ऐसा देखने को मिला है उनके, ऐसा सुनने में है। एग्जैक्टली तो पता नहीं हम लोग को भी, मतलब किसी से पूछा भी नहीं और हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए यहाँ पे, और उन दोनों का नाम पे ही बना दोस्त ये मंदिर, वो दोनों का नाम भी बना है ना, हाँ शायद पता नहीं ये उन सुना था
मंदिर उसी का नाम पे बनाया। मैं एक तो शिव शिवलिंग है यहाँ पे। या आए तो घंटी भी मारना बनता है। कोई सुना और इसी तरह यहाँ पे हम लोग अपना ब्लॉग खत्म करेगा। अगर कोई देख रहा है हमारा ब्लॉग और किसी को पता है स्टोरी इसका, आप लोग हम लोग को बता देना कमेंट पे, और जो भी हम लोग से गलती हो उससे भी सुधार देना। हम लोग को जो पता था वही बताया, हम लोग को इतना ज्ञान नहीं है इसका बारे में। लेकिन जो मरा है वो दोनों का लव स्टोरी ना, क्या बोलते हैं, रोमियो और जूलियट बोल सके, उससे भी ज़्यादा गहराई उससे भी ज़्यादा गहराई था, चलिए किसी से कम नहीं कर। किसी को अगर स्टोरी अगर पता है इसका तो पहला विजिट है, नेक्स्ट टाइम मेरा था तो और विजिट होगा, जितना हो सकता है आपको अच्छा दिखाएगा और बताएगा जो हम जानते हैं। फिलहाल तो जितना पता है उतना तो आलू को व्यू तो बहुत मजा है, लेकिन फिलहाल तो वेदर खराब होने की वजह से आप अच्छा से खाने पा। वेदर एक्चुअली सुबह में तो ठीक था, अभी अचानक मिडिल में टाइम अचानक बारिश आई, फिर वहाँ पे वेदर करेक्ट जम गया। पे गाइस हमारा आज का जर्नी यहाँ तक था, तो आपको आज का वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग पे, तब तक ले टेक केयर, बाय।